सैमसंग कंपनी अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है, तो इस मौके पर जनता के लिए उन लोगों ने एक बढ़िया स्कीम निकाली एक दिन की। ये शनिवार को अगर आप लोग खरीदी करते हो और आपका बिल 5000 या 5000 के ऊपर होता है तो कंपनी आपको एक कूपन देगी, उसके ऊपर एक नंबर होगा, और अगले दिन यानी रविवार को एक लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा। तो उसमें जिस कस्टमर का वो कूपन का नंबर आएगा उसको इनाम मिलेगा। क्या टॉप क्लास आइडिया निकाला है। 5 ग्राम का सोना, स्मार्ट घड़ी, टूर का पैकेज, टीवी, मोबाइल वगैरह वगैरह वगैरह, और एक बम्पर प्राइज भी रखा है रामसंग वालों ने। क्या 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 10 लाख की गाड़ी। वाओ सीरियसली 10 लाख की गाड़ी। 10 लाख गाड़ी। पर जेठा भाई सच में कंपनी वाले देंगे गाड़ी? हाँ माधुरी, अभी जो भी कस्टमर के कूपन का नंबर बम्पर प्राइस में निकलेगा उसको 10 लाख की गाड़ी मिलेगी। दोस्तों गाड़ी जीते का मस्त मौका है। हाँ अरे मौका नहीं धोखा है, ये कैंसिल करो ये स्कीम अभी के अभी। कम ऑन पोपटलाल भाई, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कोमल भाभी, कोई कारवार नहीं मिलने वाली। ये सब कंपनी और उनके धोखेबाज डीलर्स की चाल होती है। ओ ओ ओ पोपटलाल, धोखेबाज किसको बोल रहे हो? तू की कह रहे? नहीं जेठालाल, मैं तुम्हें धोखेबाज नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अक्सर कंपनियां अपने डीलर के साथ मिलकर इस तरह की फर्जी स्कीम निकालती है और फिर इनाम के नाम पे किसी को एक चम्मच तक नहीं मिलती। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं धोखेबाज हूँ? मैं धोखेबाज हूँ? अरे तुम ऐसा बोल भी क्या? अरे बोल क्या, ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अरे कोई भी गोकुलधाम वासी अगर मेरे दुकान से खरीदी करता है तो मैं उनको भाव टू भाव माल बेचता हूँ। ठीक है भाई, आप लोगों का मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आज के बाद मेरी दुकान से कोई खरीदी मत करना। अरे जेठा भाई, वी ट्रस्ट यू, हमें आप पे भरोसा है। जेठा भाई आप शांत हो जाइए। पटलाल तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे हाथी भाई, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार ऐसे ही 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड नहीं जीता है, सब पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? पिछले महीने नागपुर में क्या हुआ था मालूम है? हाँ पता है मुझे, वहाँ पे संतरे की बर्फी का फेस्टिवल हुआ था। मेरे एक पेशेंट ने मुझे वहाँ से बर्फी भी भेजी थी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर T20 मैच की? अरे भाई मैं मैच की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उस धांधली की बात कर रहा हूँ जो एक कंपनी ने अपने डीलर के साथ मिलकर कस्टमर्स के साथ की थी। क्या क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? हुआ ये कि नागपुर की एक कंपनी ने स्कीम निकाली कि जो भी कस्टमर उनका सामान खरीदेगा उसे एक कूपन मिलेगा, और जिस कस्टमर के कूपन में बाइक निकलेगा कंपनी उसे बाइक देगी। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या आती भाई, एक डीलर की दुकान से कस्टमर्स ने जम के सामान खरीदा, इतना सामान बिका, इतने कूपन स्क्रैच हुए, लेकिन एक भी कूपन में बाइक नहीं निकला, सबको ऐसे ही छोटे मोटे गिफ्ट दे दिए। बाइक किसी के हाथ नहीं लगी? नहीं नहीं लगी ना, लेकिन किसी कस्टमर के हाथ नहीं लगी। तो फिर किसके हाथ? उस कंपनी के मालिक ने डीलर के साथ सेटिंग कर ली थी और बाइक वाला कूपन अलग से निकाल के रख दिया था, और वही कूपन उसने डीलर को दिया और कहा कि मेरा रिश्तेदार आएगा आपके दुकान पर सामान खरीदने, तब उसे ये बाइक वाला कूपन दे देना। ओ तेरी, चीटिंग? यानी कि बाइक कंपनी के रिश्तेदार को मिली? अरे तो वो नागपुर की कोई लोकल कंपनी होगी भाई, ये रामसंग कंपनी है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी, इनका माल देश विदेश में जाता है, फॉरेनर लोग भी खरीदी करते हैं कंपनी का माल। रामसंग कंपनी ऐसा फालतूगिरी नहीं करती है। हाँ लेकिन तुम तो कर सकते हो ना? क्यों? हो सकता है कार वाली कूपन तुमने अलग से निकाल कर रख दी हो,
और बाद में अपने किसी रिश्तेदार को दे दोगे। अरे मैं चाहूँ तो भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ पोपटलाल, क्योंकि इस स्कीम में रामसंग कंपनी वालों ने स्ट्रिक्ट रूल निकाला है कि डीलर और डीलर का स्टाफ, डीलर का कोई रिश्तेदार या स्टाफ का भी कोई रिश्तेदार ये स्कीम में हिस्सा नहीं ले सकते। फैंटास्टिक। अच्छा। और ना कंपनी को पता है ना किसी डीलर को पता है कि कौन से कूपन में कार है। देखो भाई, ये तो मुझे लगा कि मेरे गोकुलधाम वासियों का फायदा हो, इसलिए मैंने स्कीम के बारे में आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को खरीदी नहीं करनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ओ ना जी ना, वो सानू तो आड़े पूरा भरोसा है। ठीक है, इस शनिवार को सब पता चल जाएगा। लिख कर देता हूँ, किसी को कारवार नहीं मिलने वाली। अरे तू तो फटीचर पेपर पे लिख के देगा ना, मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ। ये कार लगेगी, लगेगी, किसी ना किसी को तो लगेगी। वाह, ये हुई ना बात। जेठा भाई, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शनिवार को आपकी दुकान से कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदूंगी। क्या पता 10 लाख की गाड़ी मेरी किस्मत में हो, क्यों सारा? हाँ अंजलि, जरूर खरीदेंगे। ए जेठा प्रा, वो 80 तक 2-3 प्रोडक्ट ले लेंगे ताकि 2-3 कूपन मिले और कार जीतने के चांसेस और बढ़ जाएं। सही बात है। तो छोटी, उसके लिए तुझे 15,000 की खरीदी करनी पड़ेगी, क्योंकि 5,000 पे एक ही कूपन मिलेगा। हाँ तो तुसी फिकर ना करो जेठा प्रा, वो असी खरीद लवांगे। सही है जेठालाल, धंधा बढ़ाने का क्या तरीका निकाला है। कूपन की लालच में लोग सामान पे सामान खरीदेंगे, तुम्हारी तो चांदी हो जाएगी। क्या बोलता है तू? पोपटलाल, मैं ये स्कीम का जबरदस्त प्रचार करने वाला हूँ, तो अगर गोकुलधाम वासी खरीदी करने नहीं भी आएंगे ना, तो भी मेरी दुकान का सारा माल बिकने वाला ही है, क्योंकि वो प्रचार के माध्यम से बाकी की पब्लिक को स्कीम के बारे में पता चलेगा, तो वो तो मेरी दुकान पे खरीदी करने आएंगे। सही बात है। अरे अगर ऐसा है तो तुम गोकुलधाम वासी को चिल्ला चिल्ला के ये क्यों कह रहे थे कि खरीदी करने आओ? वो इसलिए क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि गाड़ी हमारे प्यारे गोकुलधाम वासी में से किसी एक को मिले। थैंक यू। लेकिन उसके लिए कूपन चाहिए। अभी खरीदी करेंगे नहीं तो कूपन मिलेगा नहीं। जीजा भाई, ये शनिवार को मैं भी आपकी दुकान पे खरीदी करने आऊंगा। क्या पता कार मेरी किस्मत में हो। तो यू कोमल? ऑफ कोर्स हंस, आओ हम लोग भी कुछ ना कुछ खरीदेंगे। हाँ हाँ, देखते देखते। जेठा भाई, क्या मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ? जरूर जरूर अब्दुल, जरूर। तो ठीक है, मैं भी इस शनिवार को आपकी दुकान पे खरीदी के लिए आऊंगा। वाह, आना आना आना। वाह, अरे वाह। जेठा भाई, अगर इनाम में मुझे कार नहीं लगी तो मेरे तो 5,000 गए ना। नहीं, अरे तू 5,000 देके खाली कूपन थोड़ी खरीद रहा है, तू तो वो जरूरी चीज खरीद रहा है जो आती तो कल तुझे खरीदनी थी। करेक्ट है जी। हाँ, मुझे बहुत टाइम से ना कूलर लेने का था, क्या है कि अभी गर्मियां भी शुरू हो गई ना, तो काम आ जाएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ पोपटलाल, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो, क्या पता गाड़ी तुम्हारे नसीब में हो। हाँ? तो हो सकता है गाड़ी के साथ लाड़ी भी मिल जाए। लाड़ी मतलब? मतलब लड़की शादी के लिए। वो भी रामसंग कंपनी वाले दे रहे। अरे रामसंग कंपनी वाले लड़की कैसे देंगे भाई? ठीक है ठीक है, आऊंगा भाई, मैं भी स्त्री खरीदने तुम्हारी दुकान पर आ जाऊंगा। हाँ लेकिन पोपटलाल, एक स्त्री आती है 1,500 या 2,000 में, और कूपन चाहिए तो कम से कम 5,000 की खरीदी तो करनी पड़ेगी, बरोबर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उस हिसाब से तुम्हें कम से कम 3 स्त्री खरीदनी पड़ेगी। 3 स्त्री? अरे 3 स्त्री का मैं क्या करूंगा, मैं कुछ और भी तो खरीद सकता हूँ। चलेगा, मैं तो बता रहा हूँ कि खरीदी 5,000 की होनी चाहिए। हाँ, अरे भाई, गाड़ी और लाड़ी जीतने का मौका मिल रहा है तो इतना खर्चा तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ तो
ठीक है ठीक है, तो इस सैटरडे को हम जेठा भाई की दुकान से कुछ न कुछ तो चक्कर लेंगे। चलो देखते हैं कार जीतना किसकी किस्मत में लिखा है। कार किसी को भी लगे, लेकिन मेरे भगवान से प्रार्थना है कि कार गोकुल धाम में ही आनी चाहिए। नहीं कहा तुम सही कहा माजी भाभी आपने। अरे वाह कुल्फी वाला इसको किससे बुलाया? मैंने मैंने बुलाया कुल्फी वाले को। बेबी क्यों? बस ऐसे ही टप्पू ने जब मुझे जेठा अंकल की स्कीम वाली बात बताई, मैंने सोचा खुशखबरी है तो मुंह मीठा करना बनता है, इसलिए बुला लिया कुल्फी वाले को। वाह गोली बेटा वाह, बात चाहे कोई भी हो लेकिन तू तो कुछ भी करके उस बात को किसी खाने की चीज से जोड़ ही लेते हो। तौली टैलेंट है गोली में ये। ओ मैं की कहना यारो, अब कुल्फी वाला आ ही गया है तो बातें करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, चलो शुरू हो जाते हैं। कुल्फी बहुत टेस्टी थी। कितना हुआ? अरे 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 बेटा क्या कर रहे हो, मैं दे रहा हूँ पैसा। हाँ दीजिए ना बिंदास, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कितना हुआ। अरे जेठा जी रुकिए ना, मैं देती हूँ। अरे बबीता जी क्या बोल रहे हैं आप, मेरे होते हुए आप नहीं 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 प्लीज प्लीज आप नहीं नहीं आप बोलिए भी बिल्कुल बोलना मत। नहीं मैं देता हूँ। कितना हुआ भाई? 1850। 1850 ठीक है ये लो। अरे जेठालाल ये शनिवार का पक्का है ना? अरे हाँ हाँ भाई पक्का है, शनिवार को सब आना। जी बापू जी। अरे ये देख आज के अखबार में अपनी दुकान का प्रचार पर्चा है। अरे वाह, मतलब आज सबके घर में अखबार के साथ ये प्रचार पर्चा पहुंच गया। अच्छा जी क्या तूने ये पर्चे पूरी मुंबई में बंटवाए? नहीं नहीं बापू जी, अपनी दुकान के आसपास के एरिया में और हमारी सोसाइटी के आसपास के एरिया में। अरे वाह, अभी इसे पढ़ के सबको ऑफर का पता चल जाएगा, अब तो शनिवार को दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बस बस बस, अभी तो सभी घर में इस पर्चे के चर्चे शुरू हो गए होंगे और सब कार जीतने के लिए खरीदी का मन बना रहे होंगे। होगा? तुम्हें लगता है कि भगवान ने ये पैम्पलेट तुम्हारे पैरों के पास भेजा है? नहीं मुझे एग्जैक्टली ऐसा नहीं। माधवी मैं पेपर पढ़ रहा था ना तो उसमें से उड़ के ये पैम्पलेट तुम्हारे पैरों के पास आके गिरा। बराबर बराबर, मैं यहाँ खड़ी थी यहाँ आया, अब मुझे बताइए यहाँ ही क्यों आया, वहाँ क्यों नहीं गया, यहाँ क्यों नहीं गया? मतलब सरल सरल ये हमें भगवान का इशारा है कि कार हमें ही मिलने वाली है। बस अभी ना उसके लिए हमें कुछ खरीदना पड़ेगा। शाला माधवी सब कुछ तो है हमारे पास,
और ये सब है ना मार्केटिंग स्टंट है धंधा बढ़ाने की। मंजे अभी कार जीतने के लिए लोग 5,000 या उससे महंगी चीजें खरीदेंगे, बराबर? हाँ, बराबर। और कुछ लोग तो कार जीतने की लालच में जो चीजें जरूरी नहीं है वो भी खरीदेंगे। फायदा किसका हुआ? कंपनी का ना। ये होता है मार्केटिंग स्टंट। और वैसे भी कार तो किसी एक लकी विनर को मिलने वाली है ना। तो वो लकी विनर हम भी तो हो सकते हैं ना। अभिनंदन। देखिए अभी इतना अच्छा मौका है ना, वो हाथ से नहीं गवाना चाहिए हमें। निकाय बनते हैं, चांस लेके देखते हैं ना, कार जीत जाएंगे तो अच्छा ही है। लेकिन उसके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। देखिए आप अगर साथ में नहीं चलेंगे ना तो मैं जाके कुछ भी खरीदूंगी फिर। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। क्या खरीदने वो सोचते हैं? हाँ, तो 49 इंच का टीवी ले ले। कितने इंच का? 49 बोले से टीवी छोटा नहीं हो जाता, बहुत बड़ा होता है टीवी, बहुत महंगा होता है, कम से कम 80-90 हजार का होगा टीवी। मुझे चांगला है ना, मैंने सुना है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो ना उतना बड़ा फायदा होता है। काय लॉजिक है, कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो टीवी हो अच्छा है। एक छोटा सा वॉशिंग मशीन ले ले। इतना सा मिल रहा है तो ले लो। एवढा म्हणजे एवढा नाही हो, एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं ना। क्या जरूरत है माधवी, अब भी तो लिए वॉशिंग मशीन। इस अभी को ना 6 साल हो चुके। हाँ तो अच्छे से चल रही है ना, तो क्यों फालतू में खरीदनी है? कुछ और सस्ती चीज सोचो। हाँ, वैक्यूम क्लीनर ले लेते हैं, उसको 8 साल हो गए हैं। हाँ, लेकिन वो 8 साल में सिर्फ 8 बार ही चला है दिवाली में, कर लेना, वो बिल्कुल नए जैसा ही है। और माधवी, जरूरी थोड़ी है कि महंगी चीज ही खरीदनी है। जेठा ने क्या बोला था, रामसंग कंपनी की कोई भी चीज जो 5,000 तक की हो वो खरीदो, आपको कूपन मिल जाएगा, बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। हाँ तो 5,000 तक की कोई चीज सोचते? अच्छा हाँ, टोंग ले लेते। कौन सी टांग? टांग नहीं हो, टोंग मशीन होता है जिससे बाल कर्ल होते। सोनू के लिए टोंग मशीन ले लेते और स्ट्रेटनर भी। स्ट्रेटनर क्यों? उससे बाल सीधे होते हैं ऐसे। और तो बाल टेढ़े करने ही क्यों है, अच्छे खासे बाल है सोनू के, क्यों बिगाड़ना है उसको? बिल्कुल नहीं। हाँ तो म्यूजिक सिस्टम ले लेते हैं। म्यूजिक सिस्टम? हाँ, हम दोनों पुराने गाने ऐसे मस्त पैकी बैठ के सुनेंगे, गर्मा गर्म भजी और मेरे हाथ की बनी चाय के साथ। कैसी आइडिया? ये बेस्ट आइडिया है, ये हुई ना बात। यस माधवी, मस्त पैकी म्यूजिक सिस्टम खरीदते हैं। हाँ चालेल। वैसे जेठा को मानना पड़ेगा माधवी, उसने सबको काम पे लगा दिया है, अभी सबके मन में कार जीतने की उम्मीद जाग गई होगी। वाओ, कार जीत गई तो मजा आ जाएगा, लेकिन इसे जीतने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदूं? अय्यर से सजेशन लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, अय्यर ये सब लॉटरी वाली चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, वो तो मुझे कार जीतने का चांस भी नहीं लेने देगा। एक काम करती हूँ, उसके लिए मैं ये सरप्राइज रखती हूँ, कार जीत गई तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। घर के लिए एक नया टीवी खरीद लेती हूँ। लो भाई, जेठालाल की दुकान पर होने वाले मेगा सेल का प्रचार तो शुरू हो चुका है, सबके घर पे इसके पर्चे भी बढ़ गए हैं और घरों में पर्चे पे चर्चे हो रहे हैं। पूरे गोकुल धाम में ये चर्चा हो रही है कि कौन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेगा। सब बहुत उत्सुक है, क्योंकि जब सवाल फ्री में मिलने वाली गिफ्ट का हो और बम्पर इनाम में मिलने वाली कार का हो तो उत्सुकता तो बढ़ेगी। जेठालाल की ये स्कीम रॉकेट की तरह है, जिसका प्रचार तो बहुत अच्छा हुआ है और लॉन्च भी बिल्कुल एक रॉकेट की तरह हुआ है। लेकिन एक मिनट, कहीं ये रॉकेट दिवाली के रॉकेट की तरह नहीं? क्योंकि दिवाली का रॉकेट कभी कभी बिना किसी नियंत्रण के यहां वहां चला जाता है, और जेठालाल के नसीब को तो आप जानते ही हैं, उसका नसीब भी बिना किसी नियंत्रण के यहां या वहां जा सकता है। भाई जेठालाल का नसीब यहां जाए या वहां जाए, लेकिन हम आपके घर के हंसी का मीटर कम नहीं होने देंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। आप लोग क्या क्या सोच के आना, क्या क्या खरीदी करनी है, क्योंकि क्या है फिर वहाँ भीड़ में सोचने में टाइम जाएगा, तो फिर वो कार भी हाथ से चली जाएगी। डोंट वरी जेठा जी, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या लेना है। वाह, मैंने और माधवी ने भी सोच लिया है क्या खरीदना है। हाँ, मैंने और अंजलि ने भी सोच लिया। हमने भी, मैंने और कोमल ने भी। बस बस, क्या की बबीता जी, मैं दिल से चाहता हूँ कि ये कार का जो बम्पर प्राइज है ना, वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई जीते। जीतेगा जीतेगा, गोकुलधाम सोसाइटी का मेंबर ही जीतेगा, और उस कार का दावेदार होगा
सी विंग के सदस्य माननीय बबीता जी। रियली क्या बात है, थैंक यू सो मच पोपट भाई। मोस्ट वेलकम। ऐसे मैं अपनी बात कर रहा था। तुमने तो माननीय बोला ना। मैं माननीय नहीं बोल सकता। नहीं, आमतौर पे क्या है कि कोई अपने लिए ऐसे मानवाचक शब्द नहीं बोलता है। मैं बोलता हूँ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।